साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एक क्वेश्चन आपको एक मैं स्टोरी टाइप का एक मात्र 5 मिनट लगेंगे भाई, वीडियो पूरा देखिए, आपके बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कम से कम 50 लोगों के मेरे पास मेरे मोबाइल पे ऑफर लेटर या वीज़ा कनाडा सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया यहाँ के वीज़ा मेरे मोबाइल पर लोग सेंड कर रहे हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो यानी इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, ये हमारे राजस्थान का सीकर का मैटर है कि आपको बताना होगा कमेंट के माध्यम से कि क्या एजेंट इसमें गलत है। जाने वाले गलत नहीं होते, लालच गला कटवाता है, आपको पता है इस बात का। यहाँ आपको देखना है, फैसला आपको करना है कि यहाँ गलत कौन हो रहा है। यानी हद होती है यार किसी चीज़ को, मतलब इतना इंसान कैसे अंधा हो सकता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बर्बादी पे बर्बाद हो रहा है। जुआ जुआ समझते हो आप, कि एक बार 10 हार गए, 10,000 हार गए तो लगता है यार अब की बार लाख कमाएंगे, तो वो 20,000 लगाता है, फिर हारता है तो फिर लगाता है। ये सिचुएशन हो रही है ऑन द स्पॉट, पट के सुनाऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें भाई, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे साथियों बोलूंगा नहीं, बोल के सुनाऊंगा आपको, मैं पट के सुनाऊंगा, आप सुनते रहना। देखिए क्या लिखा है, नौकरी दिलाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी। जी हाँ साथियों, इसमें मैं बता दूं, आगे मैं बता दूं, जो थाना अधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया है, ये अखबार की बात है। इसमें झांसा देकर ऑनलाइन आवेदन के नाम पर कुछ युवाओं के साथ ठगी की गई, जबकि विदेश में इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। जानकारी के अनुसार रेवासा निवासी कैलाश चंद्र कुमावत ने रिपोर्ट दी कि जनवरी में, गौर से सुनिएगा मेरी बात को क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आज के टाइम में, कि 12 जनवरी से उसको उसके मोबाइल पे मेल आया, उसमें लिखा था कि सर विदेश में जहाज पर स्टोरकीपर की नौकरी उपलब्ध है, उसमें $5,000 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, $3,000 खर्चे के लिए अलग से मिलेंगे। गौर से सुनिएगा भाई, इसके लिए कैलाश ने पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की अंक तालिका ठग के मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी। 15 जनवरी को मैसेज आया कि कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, अब आपको ₹28,000 रजिस्ट्रेशन फीस खाते में डालनी होगी। कैलाश ने ₹28,000 खाते में डाल दिए। इसके बाद 22 जनवरी को फिर एक मैसेज आया कि पासपोर्ट का इमिग्रेशन करवाना है, इसके लिए ₹40,000 और भेजने होंगे। कैलाश ने ₹40,000 और भेज दिए। फिर उनके मोबाइल पे मैसेज आया ₹22,000 और भेजो ताकि आपको वीज़ा और टिकट दे सकें। कैलाश ने ₹22,000 और भेज दिए। 6 फरवरी को फिर मैसेज आया कि आपका वीज़ा टिकट सब तैयार हैं, आपको ₹35,700 और देने हैं। कैलाश ने ये पैसा भेज दिया। जी हाँ साथियों, 14 जनवरी को फिर मैसेज आया, आपके दस्तावेज पाकिस्तान में पकड़े गए, उन्हें छुड़ाने के लिए ₹1,00,000 भेजने होंगे। कैलाश ने ब्याज पे लाके ₹1,00,000 भेज दिए। उसी रात को फोन आया कि दस्तावेज पाकिस्तान से दिल्ली कस्टम कार्यालय में पकड़े गए, आपको ₹23,800 और भेजने होंगे। कैलाश ने ये रुपए भी भेज दिए। इस प्रकार मार्च तक कैलाश के साथ करीब 7.5 लाख रुपए की ठगी हो गई। कैलाश ने ठग को मैसेज कर रुपए वापस मांगे तो उसने जवाब दिया कि आप चिंता मत करो, आपको 10% ब्याज के हिसाब से पैसे वापस कर दूंगा। ठग ने कैलाश के पास $1 में लिखे हुए पैसों का फर्जी चेक व्हाट्सएप पर भेजा, इसके बाद उसका फोन और मैसेज करना बंद कर दिया। अब आप बताइए जी, गलत कौन, एजेंट गलत हो या आप गलत हो, जरा गौर से सुनना। यानी एक वो कहावत आपने सुनी होगी, एक मुर्गी थी वो रोज सोने का अंडा देती थी। मालिक ने सोचा यार क्यों एक एक अंडे से अपना क्या होगा, क्यों ना एक साथ ही पूरे अंडे निकाल लें, और उसने मुर्गी को मार दिया, कुछ नहीं निकला। ये हकीकत यहाँ पे हो रही है, एक बंदे ने कमाई के लालच में पैसे पे पैसे देता गया। यार क्या है ये रिपोर्ट भी मुझे लेने लगता कि ये सही तरह से छापी गई है, नहीं तो कोई एजेंट का नाम नहीं, पैसे कहाँ डाले, एजेंट कहाँ का है, कोई एजेंट के बारे में इंक्वायरी इसमें नहीं दी गई, जबकि देनी चाहिए थी, पीड़िता की कम देनी चाहिए थी और जो एजेंट ने ठगी करी उसकी ज़्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन उसका तो नाम तक नहीं है इसमें। रिपोर्ट भी किस तरह से पत्रकार छापते हैं मुझे समझ में नहीं आई, एजेंट का नाम नहीं, एजेंट कहाँ का, उसके पास मैसेज आया, कॉल आया, व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब ये हो गई, पुलिस केस कर दिया। मैं गारंटी लेता हूँ अगर पुलिस केस यहाँ तक पहुँच जाए पुलिस, तो मैं गारंटी लेता हूं, मेरे 14 साल के करियर में इसी सिस्टम को देख रहा हूं, अगर पुलिस इस तक पहुंच जाए तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की पुलिस पहुंच नहीं सकती। जी हां साथियों, ऐसे इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं भाई, क्या मतलब होता है, 7.5 लाख रुपए ठगवा दिए। अब अगर ये पुलिस को लेके कहीं पर भी इसकी जान पहचान करते हैं तो ये होगा 1,000 किलोमीटर दूर,
या हो सकता है विदेशी व्हाट्सएप नंबर थे, तो कोई मतलब ही नहीं है यार। हालांकि ये जो इंस्पेक्टर हैं ये ईमानदार हैं, मैं इनको जानता हूँ, अच्छे हैं, तय तक जाते हैं, लेकिन कहाँ तक जाएं भाई। ये एक तरह से साइबर क्राइम है भाई, जो अकाउंट नंबर देते हैं वो भी फर्जी होते हैं, या विदेश के नाम से पैसे डलवाए होंगे तो क्या पकड़ लेंगे इनका। और अगर मान लीजिए कि ये इंडिया का ही है, राजस्थान का तो नहीं है, ये तो श्योर हो गया। ये मान लीजिए गुजरात का एजेंट हो सकता है, चेन्नई, बम्बे, कलकत्ता, पंजाब का हो सकता है, पंजाब में ये सिस्टम ज़्यादा चलता है, तो क्या पंजाब पुलिस यहाँ से जाएगी? आपको लगता है एक बार पुलिस जाने के पीछे 20,000 का खर्चा आएगा? जी हाँ साथियों, 20,000 रुपये का। और ये पैसा किसका लगेगा? जिसका अखबार में नाम आया कैलाश चंद्र, उसका लगेगा, क्योंकि पुलिस के पास इतना बजट नहीं होता, नहीं गवर्नमेंट उसको इतना बजट देती है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके पंजाब पहुंच जाए। एक चक्कर के 20,000 का खर्चा आता है भाई, मुझे पता है, मैंने खर्च करे हैं, समझ गए बात को। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, ये मान लीजिए गलत आप ही हो, मुझे तो इसमें साफ साफ कैलाश की गलती लग रही है यार, हद होती है। मतलब पैसे पे पैसे दे रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं, वो पाकिस्तान में फंस गए, कस्टम में फंस गया, वीज़ा ले लो, टिकट ले लो, अब इतने मतलब पैसे डालता जा रहा है, वो सोने की मुर्गी वाली बात हो गई। तो आप समझ लीजिए भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं कि मेरे पास लॉकडाउन के दौरान जितने भी ऑफर लेटर वीज़ा आए, टोटल के टोटल फेक। जी हाँ साथियों, टोटल के टोटल फेक हैं, वो एक भी उसमें सच्चाई नहीं निकली। अब मेरे पास वो जितने आते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया पड़ी है भाई, लाखों लोग हैं, वो संपर्क में नहीं आते, तो उनका क्या होगा? आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है साथियों, आज की जानकारी ये थी। जय हिंद, वंदे मातरम।